सी दिस फिगर, इस फिगर में एक स्ट्रेट लाइन हमने ली है। मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन एल है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। तो जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है, ठीक है, उसी को इंक्लिनेशन कहेंगे इस लाइन का। क्या कहेंगे? इंक्लिनेशन कहेंगे। और लाइन का एक और फिगर देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, तब भी यही देखेंगे कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ये कितना एंगल बना रही है, और जितना एंगल ये लाइन बनाएगी वही इस लाइन का इंक्लिनेशन होगा। ओके? और अगर स्ट्रेट लाइन जितना इंक्लिनेशन बना रही है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, यहाँ हमने थीटा से डिनोट किया है, अगर इस एंगल का टेंजेंट निकाल दें, मीन्स टेन थीटा निकाल लें, तो वही उस लाइन का स्लोप हो जाता है। स्लोप को m से डिनोट करेंगे एंड m इज इक्वल टू टेन थीटा, जहाँ थीटा इंक्लिनेशन होगा लाइन का एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से। नाउ सपोज कि एक लाइन है जिस पर दो कोऑर्डिनेट पॉइंट हमको दिए हैं, p जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो ये आपका y1 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और q के लिए ये पूरा आपका y2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 हो जाएगी। अब अगर क्योंकि p का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो ये आपका y1 है, तो ये भी हाइट आपकी y1 हो जाएगी, और यहाँ कोऑर्डिनेट q का x2 y2 है तो ये पूरी हाइट आपकी y2 हो जाएगी। पूरी हाइट y2 है और ये आपका y1 है, y2 में से y1 को माइनस कर देंगे तो हमें qm मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1। और सेम इसी तरह P पॉइंट का जो अब्सिस्का है आपका x1 है, तो ये डिस्टेंस आपका x1 है। ऐसे Q पॉइंट का अब्सिस्का x2 है, तो ये पूरी डिस्टेंस आपकी x2 होगी यहाँ तक। तो पूरे x2 की डिस्टेंस में से अगर हम x1 को हटा दें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, जिसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी x2 माइनस x1, यानी PM आपका x2 माइनस x1 होगा। तो अभी हमने स्लोप की बात की थी। ये लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है, तो यहाँ भी एंगल आपका PM से कितना बनेगा? थीटा बनेगा। और इसी का अगर हम टैन निकाल दें तो स्लोप मिल जाता है। टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग इस लाइन का जो स्लोप आएगा, स्लोप को m से डिनोट करेंगे, इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं, वो आपका टैन थीटा होगा, और टैन थीटा यहाँ आपका होगा qm यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी PM, और QM आपका आ गया Y2 माइनस Y1 और PM आपका आ गया X2 माइनस X1। मीन्स अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे दो कोऑर्डिनेट आपको मालूम हो, जैसे यहाँ X1 Y1 और X2 Y2 मालूम है, तो हम लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होगा? उन दोनों पॉइंट्स के जो ऑर्डिनेट होंगे उनका डिफरेंस, और जब सिसका होंगे उनका डिफरेंस निकाल देंगे, और ऑर्डिनेट का जो डिफरेंस आएगा उसको डिवाइड कर देंगे अब सिसका के डिफरेंस से, तो हमें स्लोप मिल जाता है। अब डिफरेंट टाइप के इक्वेशन ऑफ लाइंस की बात कर लेते हैं। पहला इसमें आता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ हमने कोऑर्डिनेट बनाया है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों दिखाया है। एक लाइन हमने बनाई है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और यहाँ ये दिखाया है कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है? बी डिस्टेंस पर है, यानी वाई एक्सिस पर हमें बी डिस्टेंस। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0, b, यानी x तो आपको 0 मिल रहा है, लेकिन y कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल रहा है? b मिल रहा है, ठीक है। तो y की वैल्यू b हो गई, मीन्स y इज इक्वल टू b, b को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो y माइनस b इक्वल टू 0। ये आपका हो जाता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। और ऐसे ही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना हो जो कि पैरेलल हो y एक्सिस के, तो ये y एक्सिस है सपोज कीजिए, और एक स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, और ये y एक्सिस से a डिस्टेंस पे है, तो x एक्सिस पे जो पॉइंट मिलेगा उसका कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा a, 0। अगर इन दोनों को देखें तो y की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू a आ गई, क्योंकि x एक्सिस पे a डिस्टेंस है, तो x इज मीन्स तो x एक्सिस पे यहाँ वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू a,
मीन्स ए को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड, तो एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, यही इक्वेशन हो जाएगा अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो। मीन्स अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स की वैल्यू लिख देते हैं और इक्वेशन बना लेते हैं, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई की वैल्यू लिख देते हैं और इक्वेशन बना लेते हैं। नाउ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देख लेते हैं लाइन का। सपोज कीजिए कि ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, जो कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है और साथ में ये वाई एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट कट कर रही है, जिसको सी से डिनोट किया है हमने। किसे डिनोट किया है? सी से डिनोट किया है। तो जो एंगल यहाँ बनेगा यहाँ भी बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से स्लोप निकालते हैं, क्योंकि ये हाइट अगर यहाँ इंटरसेक्शन हाइट सी है तो ये वैल्यू भी आपकी सी होगी। अगर हमने इस लाइन पे एक पॉइंट लेट किया है पी, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो एक्स ये पूरी डिस्टेंस होगी और वाई ये पूरी हाइट होती है। तो पूरी हाइट वाई में से ये सी हम माइनस करेंगे तो हमें पी एन मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू है वाई माइनस सी। और बी एन की वैल्यू एक्स है, क्योंकि कोऑर्डिनेट में एक्स वाई एक्स एक्सिस का है, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर मिल गया वाई माइनस सी और बेस मिल गया है एक्स। तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी वाई माइनस सी अपॉन एक्स ही होता है स्लोप, जिसको एम से डिनोट करते हैं। तो एम इज इक्वल टू वाई माइनस सी अपॉन एक्स, दैट मीन्स एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन है। तो ये आपका स्लोप का इक्वेशन बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे इक्वेशन बनता है। अब सपोज़ कीजिए कि ये लाइन अगर c इंटरसेक्शन ना कट करती y एक्सिस से, ये ओरिजिन से चली जाती तो c की वैल्यू जीरो हो जाती। अब c की वैल्यू यहाँ जीरो पुट कर दें तो y इज इक्वल टू एम एक्स हमें इक्वेशन मिल जाएगा। ये इक्वेशन होगा जब लाइन ओरिजिन से पास हो रही होगी, उसके लिए स्लोप फॉर्म है ये इक्वेशन। दो टाइप के और इक्वेशंस देख लेते हैं। अगर आपको स्लोप m की वैल्यू एंगल में दी है, टैन थीटा या कोई भी एंगल में दिया है, और लाइन किसी एक सिंगल पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 से, तो इक्वेशन होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। याद रखिएगा, अगर वैल्यू m की थीटा में एंगल में दी है और सिंगल पॉइंट से पास हो रही है लाइन, तो ये इक्वेशन लगेगा। अब अगर लाइन दो पॉइंट, दो गिवन पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 और x2 y2, तो पहले ये आप जानते हैं कि अगर दो पॉइंट मालूम है सिंगल लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे, तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m की वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी में हम वैल्यू रख दें तो हमें एक इक्वेशन मिल जाता है, जो कि दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन होगा। नाउ वी हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 12.1 whose first question is given. Here the angle theta is given 45 degree and we have to find slope. You know that ki slope ko m se denote karenge, jiski value tan theta hoti hai. Yahan theta 45 diya hai, to tan 45 ho jayega, jiski value 1 hoti hai, to m is equal to 1 aa jayega. Isi tarah se aap slope nikalte chale jayenge other questions ke. Ek aur question dekhte hain jisme hame coordinate diya hai -3, 5, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है एक ऐसी लाइन का इक्वेशन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। और यू नो दैट कि अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ एक्स यानी एक्सिस का आपका माइनस थ्री है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, और माइनस थ्री को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, यही वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होगा। एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसपे स्लोप फॉर्म है। ग्रेडियंट यानी एम दिया है आपको रूट थ्री, वाई इंटरसेप्ट यानी सी आपको दिया है -4/3। इक्वेशन बनाना है, स्लोप फॉर्म आप जानते हैं, अगर इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू रख देंगे रूट थ्री एक्स और सी की वैल्यू रख देंगे -4/3। फिर डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो थ्री रूट थ्री एक्स प्लस माइनस -4 अपॉन थ्री आ जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे और तो यहाँ 3 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, 3y इज इक्वल टू थ्री रूट थ्री एक्स माइनस फोर। सभी को हमने एक साइड में ट्रांसपोज कर लिया है तो x रूट थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो टाइप में हमें लिखना होगा जब भी आप लाइन का इक्वेशन बनाएंगे, याद रखिएगा। तो स्लो फॉर्म पे ये न्यूमेरिकल आप एक बार सीन कर लीजिए, अदर न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट कर दें। ओके स्टूडेंट, तब हम बात कर लेते हैं कि अगर दो लाइनें दी गई हैं तो उनके स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो फर्स्ट क्या है कि टू लाइंस आर पैरेलल इफ़ देयर स्लोप्स आर इक्वल, यानी दो लाइंस पैरेलल होंगी अगर उनके स्लोप्स इक्वल हैं। जैसे यहाँ फिगर में देखिएगा,
एक लाइन L1 है जो थीटा 1 एंगल बना रही है, एक लाइन L2 है जो थीटा 2 एंगल बना रही है। अब लाइन L1 और L2 एक दूसरे के अगर पैरेलल हैं, ठीक है, सपोज कीजिए इनके इक्वेशन आपको दिए गए हैं, तो उस इक्वेशन को पहले आप स्लोप फॉर्म में बदल लीजिए y=mx+c में। तो पहली लाइन के लिए हमने यहाँ लिख लिया है y1=m1x1+c1, और दूसरी लाइन का जो इक्वेशन दिया है उसको भी आप स्लोप फॉर्म में बदल लीजिए। उसके लिए हमने यहाँ मान लिया है L2 के लिए y2=m2x2+c2। तो दोनों लाइन के इक्वेशन को आप चेंज कर लेंगे। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो एक्स का जो कॉफिशियंट होता है स्लोप फॉर्म में वही क्या होता है, स्लोप होता है। दोनों में एक्स के कॉफिशियंट m1 और m2 हैं, तो इस कंडीशन में m1 m2 बराबर हो जाएंगे, यानी m1 आपका tan थीटा 1 और m2 आपका tan थीटा 2, मीन्स थीटा 1 और थीटा 2 बराबर होते हैं अगर लाइंस पैरेलल हैं तो। सेम एज अगर लाइंस हमें परपेंडिकुलर दिखानी है, कि लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट आता है वो -1 आता है। जैसे यहाँ एक लाइन L1 है, इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है मान लीजिए, और उसको हमने स्लोप फॉर्म में बदल लिया है, और वो आया है y1=m1x1+c, और दूसरी लाइन L2 है जिसका इक्वेशन भी हमने क्या किया है, बदल लिया है स्लोप फॉर्म में y2=m2y2+c2, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, यानी परपेंडिकुलर हैं। तो अगर परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इनके कोफिशिएंट आएंगे एक्स के, जैसे यहाँ x1 का कॉफिशेंट m1 और x2 का कॉफिशेंट m2 है, तो इनका प्रोडक्ट यानी m1 × m2 कितना आना चाहिए, -1। तो अब यहाँ से m1 की वैल्यू आप कितनी हो जाएगी, -1/m2, यानी m2 दिया है तो m1 काउंट कर सकते हैं अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं। सेम एज m2=-1/m1, यानी पहली लाइन का स्लोप दिया है और लाइंस पैरेलल है तो दूसरी लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब हम इक्वेशन देख लेते हैं। हमें पहली लाइन का इक्वेशन दिया है 6x+5y-7=0, 6x+5y-7=0, तो इसको हमने स्लोप फॉर्म में बदल लिया, यानी y लेफ्ट साइड में बाकी सब राइट साइड में, y=-6/5×x+7/5 आ गया। तो यहाँ जो x का आपका कोफिशेंट आया है -6/5, ये इसका स्लोप हो जाएगा, यानी m1 की वैल्यू हो गई। अब दूसरी लाइन का इक्वेशन दिया है 2px+5y+1=0, यहाँ 2px+5y+1=0, यहाँ से हमने y के टर्म में इक्वेशन को बना लिया, यानी स्लोप फॉर्म y=mx+c। तो y=, यहाँ पे वैल्यू आ गई है -2/5p×x-1/5, तो यहाँ x का कॉफिशियंट आया है -2p/5, तो ये दूसरा स्लोप हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में दिया है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, यानी गिवन लाइंस आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अगर पैरेलल हैं तो m1 और m2 क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो m1=m2 इफ लाइंस आर पैरेलल, m1 की वैल्यू रख दी, m2 की वैल्यू रख दी, -1 कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से, 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2p=6 आ जाएगा। तो p की वैल्यू आ जाएगी 6/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, y=3x-5 दिया है और 2y=4x+7, तो यहाँ से y निकाल लेते हैं, y=2x+7/2। पहले इक्वेशन से, लाइन के इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 3 है तो m1 आपका 3 आ गया, दूसरे लाइन के इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 आपका दूसरा स्लोप आ गया। अब जब पहला और दूसरा स्लोप आपको मिल जाए, और इस क्वेश्चन में अगर दिखाना हो हमें कि पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर दोनों बराबर है नहीं, यानी m1=m2, दैट मीन्स पैरेलल तो होंगी नहीं। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, m1 × m2 3 × 2 6, ये -1 भी नहीं आया तो ये परपेंडिकुलर भी नहीं होंगी। ओके, एक क्वेश्चन परपेंडिकुलर पे एक इक्वेशन दिया है 3x-5y+7=0, इसको स्लोप फॉर्म में बदल लेंगे तो x का कॉफिशियंट जो आएगा वो आएगा 3/5, तो वो m1 निकल जाएगा। 4x-ay+9 दूसरा इक्वेशन दिया है =0, तो यहाँ से भी हम दूसरा स्लोप निकाल लेंगे तो 4/a आ गया मान लीजिए। अब इसमें दिया है कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो m1 × m2 कितना होना चाहिए, -1, m1 की वैल्यू हमने रखी 3/5, m2 की वैल्यू रखी 4/a = -1, और सॉल्व करके यहाँ से a की वैल्यू काउंट कर लेते हैं।